दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जीनत अमान को बहुत पीटते थे उनके पति मजहर खान? क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, 70 से 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्री जीनत अमान अपने समय में कई लोगों की ड्रीम गर्ल रही थी। जीनत ने हरे रामा हरे कृष्णा, सत्यम शिवम सुंदरम, लावारिस, डॉन, कुर्बानी, द ग्रेट गैम्बलर, दोस्ताना, यादों की बारात, महान और पुकार समेत कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। जीनत जितना अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चर्चाओं में रही, वहीं उनकी निजी जिंदगी भी काफी उथल पुथल भरी रही। एक समय पर जीनत ने पहले से शादीशुदा एक्टर मजहर खान से शादी की तो वो और भी सुर्खियों में आई। इतना ही नहीं, मजहर से शादी के बाद उन्हें मारने पीटने का जुल्म तक सहना पड़ा। दरअसल 70 के दशक में बॉलीवुड अभिनेता मजहर खान ने कई बड़ी फिल्मों में नाम कमाया था, लेकिन मजहर फिल्मों से ज्यादा अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में रहते थे। मजहर का अफेयर जब जीनत अमान से शुरू हुआ तो वो खूब चर्चाओं में छाए रहे। फिल्म शान के दौरान हुई इनकी मुलाकात कब प्यार में बदल गई, इन्हें भी पता नहीं चला। परिवार के खिलाफ जाकर जीनत ने मजहर से शादी की, लेकिन जीनत को क्या पता था कि उनकी ये शादी उनकी जिंदगी में तूफान लेकर आएगी। मजहर से शादी करने के बाद जीनत ने बहुत कुछ देखा। जीनत की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आ गया था जब वे अपनी शादी से बेहद परेशान थी। कुछ वक्त बाद ही दोनों के बीच के विवाद बढ़ने लगे। आलम यह था कि मजहर जीनत के साथ हाथापाई करने लगे थे। जीनत और मजहर के दो बच्चे आजान और जहान भी हुए, लेकिन इसके बावजूद भी मजहर नहीं बदले। मजहर चाहते थे कि जीनत एक्टिंग छोड़कर घर का काम संभाले, लेकिन जीनत ने मजहर की इस बात से साफ इनकार कर दिया। जीनत लगातार अपने पति के व्यवहार से परेशान हो रही थी। यही वजह थी कि शादी के कुछ साल बाद ही जीनत और मजहर का रिश्ता तलाक के मोड़ पर आ पहुंचा। जीनत ने पति के बर्ताव से तंग आकर उनसे अलग होने का फैसला किया, लेकिन तलाक से पहले ही उनके पति मजहर ने दुनिया को अलविदा कह दिया, क्योंकि किडनी खराब होने की वजह से मजहर का निधन 16 सितंबर 1998 में हो गया था। कुछ समय बीतने के बाद जीनत ने संजय खान से शादी की। शादी के दौरान संजय पहले से ही 3 बच्चों के पिता थे, मगर जीनत और संजय की शादी 1 साल भी नहीं चल पाई। इसके बाद 63 साल की उम्र में जीनत अमान ने अमन खान उर्फ सरफराज से शादी की, लेकिन ये शादी भी नाकाम रही, क्योंकि जीनत ने सरफराज पर धोखाधड़ी और रेप का आरोप लगाया था। इस मामले में जीनत से 30 साल छोटे सरफराज को जेल भी जाना पड़ा था। तो दोस्तों, ये था किस्सा जीनत अमान की 3 शादियों का। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बॉलीवुड न्यूज देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।